मानव शरीर बना है 250 से भी ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से। लेकिन इन कोशिकाओं का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता। अगर हम माइक्रोस्कोप में रक्त की कोशिकाओं को देखें तो लाल रक्त कोशिकाएं पहचानी जाएंगी अपने रंग और आकृति की वजह से। लेकिन सफेद रक्त कोशिकाओं को देखने और पहचानने के लिए उन्हें किसी स्टेन से रंगना पड़ता है। ऐसा ही एक आसान और कारगर तरीका जो प्रयोगशालाओं में आमतौर पर किया जाता है, उसमें जो स्टेन यानी रंजक प्रयोग में लाया जाता है उसका नाम है लिशमन स्टेन। सबसे पहले खून लिया जाता है उंगली से, जैसे तीसरी उंगली। उंगली को कीटाणु रहित करने के लिए उसे स्पिरिट से भीगी रुई से साफ करते हैं। रक्त निकालने के लिए एक हाइपोडर्मिक सुई लेते हैं और जरूरी है कि यह कीटाणु रहित हो। और इस रक्त की बूंद को एक साफ कीटाणु रहित माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पर लेते हैं। इसके बाद रक्त की बूंद को पूरी स्लाइड पर इस तरह फैलाने के लिए एक दूसरी साफ स्लाइड या फिर कवर स्लिप लेते हैं। अब इसे एक पेट्री डिश पर रखते हैं। ध्यान रहे, ऐसा करते समय इस स्लाइड पर उंगली के निशान ना लगने पाएं। अब इस पर लिशमन स्टेन डालते हैं। और कुछ समय के लिए रख देते हैं ताकि कोशिकाओं में स्टेन का रंग चढ़ सके। और फिर कुछ समय बाद हम अल्कोहल जल को स्लाइड पर डालते हैं ताकि स्लाइड पर से अतिरिक्त स्टेन निकल जाए। इसके बाद इस स्लाइड को पानी से धो लिया जाता है। इस प्रकार स्टेन्ड स्लाइड तैयार हो जाती है। अब हम इसे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। स्लाइड में सफेद रक्त कोशिकाओं के अलग अलग प्रकार देख सकते हैं, जैसे ये है सबसे छोटा गोल गोल मोनोसाइट, और ये है बेसोफिल, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म है नीले रंग का और इसका न्यूक्लियस एस की आकृति का होता है, और ये है इओसिनोफिल, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म गहरा लाल और इसके न्यूक्लियस का आकार डंबल आकृति का होता है, और ये है न्यूट्रोफिल, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म हल्का बैंगनी रंग का होता है, और ये है लिम्फोसाइट, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म स्लेटी रंग का होता है और इसका न्यूक्लियस लाल होता है। ये सभी हमारे शरीर के रक्षक योद्धा हैं, और अगर कोई कीटाणु जैसे बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन के दौरान हमारे शरीर पर हमला करते हैं तब ये उनसे लड़ते हैं और हमारी रक्षा करते हैं।